और अब देख लेते हैं दिल्ली एनसीआर की खबरें 9-9 सेकंड में। दिल्ली में महिला पत्रकार से छेड़छाड़ की कोशिश, उबर के आरोपी ऑटो ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। पीड़ित ने आरोपी का वीडियो बनाकर पुलिस और महिला आयोग में शिकायत की थी। दिल्ली में महिला पत्रकार से उबर ऑटो में हुई छेड़छाड़ की घटना पर एक्शन में दिल्ली महिला आयोग, उबर इंडिया और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। पूछा महिलाओं की सुरक्षा के लिए उबर द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं। दिल्ली में शराब घोटाले पर आज फिर सियासी घमासान। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली बीजेपी चलाएगी जन जागरण अभियान। सुबह 11:15 बजे लक्ष्मीनगर से शुरुआत होगी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी के जन जागरण अभियान में दिल्ली बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदूड़ी शामिल हो गए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली बीजेपी के नेता करेंगे प्रोटेस्ट। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, आज बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। ट्वीट में लिखा, गेम अब डायरेक्ट है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ये देश नहीं बिकने दूंगा। दिल्ली के सुल्तानपुरी के पास झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, आग बुझाने में जुट गई। कई झुग्गियों में आग लगी और वो आग से जलकर खाक हो गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हरियाणा के गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। सोशल मीडिया पर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर करते थे ऑनलाइन ठगी। 2 विदेशी समेत 13 लोग गिरफ्तार। गुरुग्राम में डॉग फाइट करवाने के दौरान हुआ विवाद, एक गुट ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध हथियार और गाड़ियां बरामद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज कठुआ जिले में पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी की पासिंग आउट परेड में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर पुलिस के आतंकवाद विरोधी अभियान पर मीडिया से बात करेंगे। दिल्ली की जेएनयू में छात्रों के विरोध प्रदर्शन करने पर लगी रोक का आदेश। विरोध के बाद वापस लिया। हिंसा के आरोपी छात्रों पर 20,000 जुर्माने का था प्रावधान। और 9 सेकंड में अब देख लेते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबर। महाराष्ट्र के जलगांव में नकली नोट छापने का आरोपी गिरफ्तार। यूट्यूब से सीखकर बनाया नकली नोट। पुलिस ने आरोपी के घर से 1,60,000 के फर्जी नोट बरामद किए। स्कैनर और प्रिंटर की मदद से नोट छापे थे। शाहरुख खान के घर मन्नत में दीवार फांद कर घुसे 2 युवक, सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ा। पूछताछ में बताया शाहरुख से चाहते थे मिलना। पुलिस ने दर्ज की FIR। मुंबई में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी देर रात अपनी मां से मिलने वर्सोवा पहुंचे, लेकिन गेट पर भाई ने मां से मिलने से रोका। नवाज की मां की तबीयत खराब। पूर्व पत्नी और नवाज के बीच विवाद से परिवार में तनाव। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर बस और टेम्पो की हुई भिड़ंत। टेम्पो ड्राइवर की मौत। बस ड्राइवर मौके से फरार। बस में सवार सभी विदेशी यात्री सुरक्षित। एक महिला यात्री की नाक पर चोट लगी। मुंबई के सांताक्रूज में 4 दुकानों में लगी आग। शाम 5 बजे से आग बुझाने की कोशिश जारी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ। कि मैंने ओए होए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।